सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टार स्पॉट्स एन पी। सो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आप सब के बीच हम लेकर आ रहे हैं और एक ज़बरदस्त फुटबॉल प्रतियोगिता। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास CKP यानी कि चक्रधरपुर क्षेत्र का फुटबॉल प्रतियोगिता का मैच फिक्चर है। आज मैं बताने वाला हूँ इस टूर्नामेंट के बारे में, CKP एरिया का फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इस टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि कितना है और इस टूर्नामेंट में कितने टीम का पार्टिसिपेट है और कौन कौन से टीम मौजूद है। जी हाँ, सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा। और मैं पहले ही बता दूँ दोस्तों कि इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर अगर पुरस्कार की बात करें विदाउट इंडिविजुअल पुरस्कार, जी हाँ, तो यहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा पुरस्कार मिलने वाला है इंडिविजुअल पुरस्कार को छोड़कर। तो है ना एक दोस्तों लाजवाब फुटबॉल प्रतियोगिता। तो चलिए विस्तार से आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि इस टूर्नामेंट में आखिरकार पुरस्कार की राशि कितना है और कौन कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट है। तो चलिए विस्तार से आगे जानते हैं। तो चलिए वीडियो के आगे तक बने रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर आप तक जल्दी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए अगर बात करें दोस्तों इस टूर्नामेंट के बारे में, तो ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों CKP क्षेत्र का फुटबॉल टूर्नामेंट है। जी हाँ, अगर ऑर्गेनाइज़र की बात करें तो यहाँ पे आयोजक रोलाडी एवं मागुरदा चक्रधरपुर की ओर से ये टूर्नामेंट आप सबों के लिए रखा गया है। 3 दिवसीय महासंग्राम विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता है 2024 का अगर बात करें तो। और एक ब्लॉकबस्टर फुटबॉल टूर्नामेंट में हम सबों को न्योता दे रहा है खेलने और देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो खेल प्रेमी है तो निश्चित रूप से आप सबों को मैं बता दूं, एक बेहतरीन फुटबॉल प्रतियोगिता हम सबों के लिए रोलाडी एवं मागुरदा चक्रधरपुर की ओर से। जी हाँ, 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पे तारीख की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे 5, 6 और 7 सितंबर को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 5, 6 और 7 सितंबर को रखा गया है टूर्नामेंट। और फिक्चर में बताने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट में आखिरकार पुरस्कार की राशि कितना है। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अगर मैन ऑफ द मैच की बात करें तो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच के तौर पर मोबाइल रखा गया है। और मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो यहाँ पर बाईसाइकिल रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें बेस्ट गोलकीपर का तो बेस्ट गोलकीपर के तौर पर मोबाइल लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इंडिविजुअल पुरस्कार काफ़ी अच्छा है। पुनः मैं बता दूँ, मैन ऑफ द मैच मोबाइल, मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो यहाँ पे साइकिल दिया जाएगा और बेस्ट गोलकीपर को मोबाइल से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें इस टूर्नामेंट में प्राइज मनी कितना है तो पहला पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे पहला पुरस्कार के तौर पर 1,30,000 रुपया रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरा पुरस्कार की बात करें, सेकेंड प्राइज की बात करें तो यहाँ पर 80,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा पुरस्कार की बात करें 50,000 रुपया। चौथा पुरस्कार की बात करें 20,000 रुपया। पाँचवा और छठा की बात करें तो 20,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, इस फुटबॉल टूर्नामेंट में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में इस प्रकार पुरस्कार रखा गया है। और दोस्तों बात करें अब फिक्चर का, तो यहाँ पे किस प्रकार से टीम मौजूद है तो चलिए हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5 तारीख को किस प्रकार यहाँ पर टीम मौजूद है। दोस्तों अगर बात करें 5 तारीख का तो यहाँ पर पहला मैच खेला जाएगा पुंडीदिरी FC बनाम यंग बॉयज़ क्लब CKP के बीच, ये पहला मैच है। और वहीं अगर दूसरा मैच की बात करें तो यहाँ पे RGM एकेडमी बनाम DJ ब्रू हो के बीच खेला जाएगा। तीसरा मैच की बात करें तो यहाँ पे DS ब्रदर्स बनाम बॉयज़ क्लब पोटका के बीच। और चौथा मैच की बात करें तो यहाँ पे रंगवे FC बनाम हर हर महादेव चमकपुर के बीच खेला जाएगा। ये चौथा मैच है। और वहीं दोस्तों बात करें पाँचवा मैच का, तो पाँचवा मैच खेला जाएगा सनराइज क्लब आज़ाद बस्ती बनाम प्रशांत ब्रदर्स गिलियोर के बीच, ये पांचवा मैच है। और वहीं दोस्तों बात करें छठा मैच, तो छठा मैच खेला जाएगा म्यूजिक एक्सप्रेस बनाम रितेश 11 रोलाडी के बीच। वहीं दोस्तों सातवां मैच की बात करें तो सातवां मैच खेला जाएगा BKC FC बनाम जयराम FC के बीच। आठवां मैच की बात करें तो आठवां मैच होगा काका 11 CKP बनाम पुरुषोत्तम FC बारह महिला के बीच। तो इस प्रकार दोस्तों 8 मैच खेला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 16 टीमों के बीच भिड़त होगा ग्रुप ए का, जो कि 5 तारीख को यहाँ पे इस प्रकार मुकाबला होगा। वहीं दोस्तों बात करें हम लोग 6 तारीख को किस प्रकार मुकाबला होने वाला है, तो 6 तारीख की बात करें तो 6 तारीख को भी एक से बढ़कर एक टीम मौजूद है जो कि ग्रुप बी के तौर पर यहाँ पर मौजूद है टीम। जी हाँ, 6 तारीख की बात करें तो यहाँ पर 6 तारीख का पहला मैच होगा Army FC बनाम सनलाइट FC के बीच। और दूसरा मैच की बात करें तो दूसरा मैच होगा
ओल्ड इज गोल्ड बड़ा बम्बो एफसी बनाम शशिकांत एफसी के बीच ये दूसरा मैच है। और वहीं तीसरा मैच की बात करें तो यहाँ पे सागिन दिसुम बनाम मनोज एफसी पासुलोता के बीच। वहीं दोस्तों बात करें चौथा मैच का तो चौथा मैच खेला जाएगा राज एफसी बनाम टिकटॉक इलेवन के बीच। और पांचवा मैच की बात करें तो पांचवा मैच खेला जाएगा राधानगर एफसी बनाम निमेश ब्रदर्स के बीच। दोस्तों छठा मैच की बात करें तो छठा मैच होगा बजरंग एफसी बनाम किस्मत एफसी पीटालांग के बीच। और वहीं अगर सातवां मैच की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे बोदरा ब्रदर्स बनाम आदित्य स्पोर्टिंग के बीच। दोस्तों आठवां मैच की बात करें तो यहाँ पे आठवां मैच होगा बॉयज़ क्लब साग जोड़ी बनाम शॉर्ट्स बॉयज़ के बीच। तो इस प्रकार 16 टीमों के बीच मुकाबला होगा 6 तारीख को। इस प्रकार टीम मौजूद है जो कि ग्रुप बी के तौर पर खेला जाएगा। दोस्तों बात करें अब ग्रुप सी का तो ग्रुप सी में मौजूद टीम की अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे भी 16 टीमों के बीच मुकाबला होने वाला है। अगर हम लोग पहला मैच की बात करें 7 तारीख का 7 सितंबर की बात करें तो 7 सितंबर को होगा पहला मैच सीआरडी एफसी बनाम मिष्टी एफसी सरेकला के बीच। और वहीं दोस्तों बात करें दूसरा मैच का तो दूसरा मैच होगा मधु एफसी बनाम मुंडा एफसी के बीच। और वहीं दोस्तों बात करें तीसरा मैच का तो तीसरा मैच होगा जीएस ब्रदर्स बनाम सरस्वती क्लब के बीच। और चौथा मैच की बात करें तो चौथा मैच होगा गोलू स्पोर्टिंग बोड़ाम बनाम चांद स्पोर्टिंग सीकेपी के बीच। दोस्तों बात करें पांचवा मैच का तो पांचवा मैच होगा जन जिल टाइगर हिल बनाम बम बम भोले के बीच। छठा मैच की बात करें तो छठा मैच होगा बेंगराज एफसी बनाम एनआरएम एफसी के बीच। और सातवा मैच की बात करें तो बोधरा एफसी बनाम नीलम स्पोर्टिंग जेएमटी के बीच। और वहीं अगर अंतिम मैच की बात करें ग्रुप सी का यानी कि 7 सितंबर का तो यहाँ पे अंतिम मैच के तौर पर खेला जाएगा राकेश स्पोर्टिंग बनाम लक्ष्मी स्पोर्टिंग भादरुडी चांडिल के बीच। तो इस प्रकार दोस्तों मुकाबला होने वाला है, एक विशाल फुटबॉल प्रतियोगिता है, 5, 6 और 7 सितंबर को खेला जाएगा। जी हाँ, और उसी के साथ एक यहाँ पे नोट भी जारी किया गया है जो कि साफ सुथरे सुनहरे अक्षरों पर लिखा है कि सभी टीमों को सूचित किया जाता है कि अपने निर्धारित समय पर ही पहुँचे, अन्यथा हवा गोल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ अगर हम लोग और एक नियम की बात करें तो फुल किट पहनना अनिवार्य है, अन्यथा मैच से निष्कासित किया जाएगा। प्रथम चक्र से क्वार्टर फाइनल तक जिस टीम की गोल स्कोर ज़्यादा होगी वह सीधा फाइनल खेलेगी। जी हाँ, कोई लॉटरी का यहाँ पे कोई सीन नहीं है। जो भी गोल ज़्यादा करते हैं तो स्कोरर यानी कि गोल स्कोरर के माध्यम से आपको फाइनल खेलने का एक अवसर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा गोल करते हैं तो निश्चित सी बात है कि आप जो है फाइनल तक की रास्ता तय कर सकते हैं विदाउट लॉटरी। और दोस्तों मैं पुनः बता दूं, ये जो 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता है, 3 दिवसीय महासंग्राम है, रोलाडी एवं मागुर्दा चक्करदरपुर के क्षेत्र का ये फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि 5, 6 और 7 सितंबर को खेला जाएगा। दोस्तों पुनः मैं बता दूं, ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में पुरस्कार की राशि मैं पुनः दोहरा दूं, यहाँ पे जो पहला पुरस्कार के तौर पर दिया जाएगा 1,30,000 रुपया, और द्वितीय पुरस्कार की बात करें तो 80,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार की बात करें 50,000 रुपया, और चतुर्थ पंचम और छठा पुरस्कार की बात करें तो 20,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। मैन ऑफ द मैच मोबाइल है, मैन ऑफ द सीरीज की बात करें साइकिल है, और बेस्ट गोलकीपर को मोबाइल से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार नोटिफिकेशन मैंने आप सबों को बताया इस टूर्नामेंट के बारे में। आई होप कि आप सबों को ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक कॉमेंट और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।